पिछले कुछ सालों में रेलवे एग्जाम में एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उन सभी क्वेश्चन को किस तरह से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है एक ग्रुप डी 2014 में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10, फाइंड द एलसीएम। यहाँ पर कह रहा है किसी दो होल नंबर का, टू होल नंबर का प्रोडक्ट 1500 एंड देयर एचसीएफ, चूंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 10, तो यहाँ पर एलसीएम कितना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर एक फॉर्मूला है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, और यहां पर निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का प्रोडक्ट है 1500 अपॉन एचसीएफ 10, और यहां पर 0 0 कैंसिल, यानी कि 150, जो कि ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहां पर सेकंड क्वेश्चन, इफ थ्री नंबर्स आर 2a 5a एंड 7a, व्हाट विल बी देयर एलसीएम। थ्री नंबर जो कि एक 2a, एक 5a एंड 7a, तो यहाँ पर इन तीनों का जो एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कितना है। तो बहुत ही सिंपल है, इन तीनों में से पहले जो कॉमन है उसको लेंगे, उसके बाद जो अनकॉमन है उसको भी ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं 2a 5a एंड 7a, इन तीनों में से कॉमन है ये, तो यहाँ पर बचा क्या है 2, 5 एंड 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 5 10, 10 into 7 70, 70 into 8 70a, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन ए। और एक क्वेश्चन ग्रुप डी 2014 में पूछा जा चुके हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ग्रुप डी 2014 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 132, 204 एंड 228। यहाँ पर एचसीएफ इन तीनों नंबर का एचसीएफ है, तो सिंपली इन तीनों नंबर को तोड़ेंगे, 132 इक्वल टू 204 एंड 228। सिंपली देखिए 132 को 2 से देंगे तो यहाँ पर 66, एंड फिर से 2 से एंड 33 एंड 3 into 11 33, तो यहाँ पर 2 into 2 into 3 into 11। इसी तरह से 204 के तोड़ेंगे, 2 into 2 into 3 into 17 होगा। इसी तरह से 228, 2 into 2 into 3 into 19, इसी तरह से तोड़ के। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखिए एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन जो है वो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इन तीनों में से 2 कॉमन है, 2 लेंगे इन टू, और भी एक 2 कॉमन है, ए भी और ए भी 2, और यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 3 3 3, यहाँ पर 11 भी कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है और 19 भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2006 में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है 4 बेल्स बिगिन टू टोल टुगेदर एंड टोल रेस्पेक्टिवली एट इंटरवल्स ऑफ 6, 7, 8 एंड 9 सेकेंड्स। यहाँ पर कह रहे हैं 4 घंटी जो कि पहला घंटी 6 सेकेंड्स के बाद बजते हैं, सेकेंड 7 सेकेंड्स के बाद, थर्ड घंटी 8 सेकेंड्स के बाद एंड फोर्थ घंटी 9 सेकेंड्स के बाद टोल करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इन 1.54 आवर्स
1.5 फोर्स आवर में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर एंड इन व्हाट इंटरवल। यहाँ पर कह रहा है इतना टाइम के अंदर उन चारों घंटे एक साथ टुगेदर एक साथ कितने बार टोल करेगा एंड कितने टाइम बाद बाद वो एक साथ टोल करेगा। यहाँ पर और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फोर घंटी है जो कि 6 सेकंड्स, 7 सेकंड्स, 8 सेकंड्स एंड 9 सेकंड्स बाद बाद बजता है, तो 1.54 आवर्स के अंदर उन चारों घंटी एक साथ कितने बार बजेगा एंड कितने टाइम बाद बाद वो चारों घंटी एक साथ बजेगा। इस टाइप क्वेश्चन के ऊपर एक ट्रिक्स है, चलिए दिखा देते हैं। और यहाँ पर एट फर्स्ट निकालेंगे कि व्हाट इंटरवल यानी कि कितना टाइम बाद बाद वो चारों घंटी एक साथ बजेगा। तो सिंपली इन चारों जो टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, इन चारों का एलसीएम कर दीजिए। तो एलसीएम ए ऑफ 6, 7, 8 एंड 9। और यहाँ पर 6, 7, 8 एंड 9 जो कि 3 से 3 into 2 6, 7, 8 एंड 3 into 3 9। और यहाँ पर 2 से करेंगे 2 into 1 2 7 एंड 2 into 4 8 एंड 3। और इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 into 2 into 7 into 4 into 3, तो यहाँ पर होगा 504 जो कि एलसीएम ऑफ 6, 7, 8 एंड 9 504 यानी कि 504 सेकेंड्स के बाद बाद जो कि इन फोर घंटे एक साथ बजेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी आंसर हो सकते हैं और ऑप्शन सी आंसर हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी और डी कैंसिल। अब चलिए देखते हैं 1.54 आवर्स के अंदर कितना टाइम टोल होगा। तो सिंपली यहाँ पर 1.54 को आप सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए और तो यहाँ पर 60 into 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेकेंड में कन्वर्ट होगा एंड नीचे जो कि 504 से डिवाइड करना है और प्लस यहाँ पर 1, तो यहाँ पर सिंपली और इसको सिंप्लीफाई करके होगा 11 प्लस 1 यानी कि 12 यानी कि 1.54 आवर्स के अंदर 12 टाइम्स रिंग होगा यानी कि टोल होगा टाइम्स। तो इस टाइप क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से मेरा वीडियो है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2003 में पूछे चुके हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2 cube into 3 cube into 5 square, 2 square into 3 to the power 4 into 5 into 7 and 2 into 3 to the power 5 into 7 to the power 9। तो यहाँ पर फर्स्ट है 2 cube into 3 cube into 5 square, सेकेंड है 2 square into 3 to the power 4 and into 5 into 7, थर्ड है 2 into 3 to the power 5 into 7 to the power 9। अब इन तीनों में से एलसीएम जो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो सिंपली यहाँ पर एलसीएम होगा, यहाँ पर देखिए 2 के पावर में सबसे ज़्यादा कौन है, 2 के पावर में क्यूब है और स्क्वायर और 2 के पावर पे 1 है, तो सबसे ज़्यादा वाला हम लोग लेंगे 2 क्यूब। तो यहाँ पर 2 क्यूब इन टू, यहाँ पर देखिए 3 के पावर में सबसे ज़्यादा कौन है, 3 के पावर में यहाँ पर 3 के पावर में 4 है, 3 के पावर में 5 है, 3 के पावर में 5 जो कि सबसे ज़्यादा है, 3 to the power 5 इन टू, यहाँ पर 5 के पावर में देखिए 5 का स्क्वायर है और यहाँ पर 5 to the power 1, तो 5 स्क्वायर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 7 जो कि 7 to the power 9 जो कि ज़्यादा है, तो ये आपका आंसर है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो कॉमन है उसको एट फर्स्ट लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन है 2, 3 सब में 2, 3 लिया और यहाँ पर पावर जितना बड़ा है जिसका वो वाला लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है, एक में कॉमन नहीं है, 5 भी लेंगे और पावर ज़्यादा है उसको लेंगे। 7 दोनों में कॉमन है और बड़ा वाला लेंगे, तो ये आपका एलसीएम होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2005 में पूछे चुके हैं। क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विल बी यहाँ पर ऑप्शन दे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है और सेकेंड में है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और इसका फॉर्मूला और इसको तोड़ेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यानी कि ए इंटू बी यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ए सेकेंड वाला, तब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो सिंपल है, जो कॉमन है उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एट फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू जो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और इसका फॉर्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। और यहाँ पर यही नंबर घूम के आ रहा है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। यहाँ पर कह रहा है किसी दो नंबर का एलसीएम ऑन एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 24 है एंड पर उसके बाद द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स इज 2 एंड उन दोनों नंबर का डिफरेंस है 2, देन फाइंड द नंबर्स, तो इनमें से कौन सा वो नंबर है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए दो नंबर जो कि एक्स एंड वाई, अब इन दो नंबर का जो एलसीएम होगा वो होगा एक्स इंटू वाई एंड जो एचसीएफ होगा वो दोनों में से कॉमन जो कि 1 एचसीएफ। अब एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट जो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू एक्स वाई इंटू 1 यानी कि एक्स वाई। अब यहां पर कहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 24, तो यहां पर एक्स वाई इक्वल टू 24 और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और यहां पर नेक्स्ट कहा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, दो नंबर का डिफरेंस 2 और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि 4 और यहाँ पर एक्स माइनस वाई स्क्वायर यानी कि लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई, जो कि फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी इक्वल टू यहाँ पर 2 स्क्वायर यानी कि 4 और यहाँ पर एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस 4 इंटू एक्स वाई, यहाँ पर देखिए 24 इक्वल टू 4 और यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 24 96 और यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 प्लस 96 100 यानी कि 10 और यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है और इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, तो सिंपली यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल यानी कि 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 यानी कि 12 और x इक्वल टू यहाँ पर होगा 6 यानी कि फर्स्ट नंबर जो कि 6 है। अब y निकालना है तो सिंपली यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में x बैठा दीजिए तब y निकल के आ जाएगा जो कि 4 होगा। सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में अगर देखेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6 जो कि माइनस माइनस कैंसिल है यानी कि y इक्वल टू 4 जो कि 4 एंड 6 आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2009 में पूछे जा चुके। क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144। किसी दो नंबर का एलसीएम है 864 और एचसीएफ है 144। इफ वन नंबर इज 288, अगर एक नंबर 288 है देन सेकेंड नंबर विल बी, तो सेकेंड नंबर क्या है इनमें से। और एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर एक फॉर्मूला है जो कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर सिंपली सेकेंड नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, और यहां पर एलसीएम है 864 इंटू एचसीएफ है 144 और यहां पर फर्स्ट नंबर जो कि 288। और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर होगा 432 जो कि ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 2009 में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 48 60 72 108 एंड 140 लीव्स रिमाइंडर 38 50 62 98 एंड 130 रेस्पेक्टिवली इज। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि 48 60 72 108 एंड 140 से डिवाइडेड है एंड उसका जो रिमाइंडर होगा वो 38 50 62 98 एंड 130 रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पर जो डिविजर है वो है 48 60 72 108 एंड 140 और यहाँ पर रिमाइंडर जो है देखिए 48 का 38 और 60 का 50 72 का 62 108 का 98 एंड 140 का 130। तो यहाँ पर देखिए डिविजर और रिमाइंडर में सब में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों का डिफरेंस है 10, सबका डिफरेंस 10। तो यहाँ पर सिंपली जो फॉर्मूला है या फिर ट्रिक कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर का ट्रिक जो होगा वो है कि एलसीएम ऑफ इन सारे डिविजर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 60 72 108 140 एंड माइनस जो कि सब में कॉमन जो डिविजर एंड रिमाइंडर के जो कॉमन नंबर है उसको माइनस करना है, तो माइनस यहाँ पर 10। तो सिंपली सॉरी दोस्तों यहाँ पर 48 भी होगा, 48 60 एलसीएम ऑफ 48 60 72 108 140 माइनस 10 और इसका एलसीएम होगा 15120 एंड यहाँ पर माइनस 10 है तो माइनस 10 कर दीजिए तो आंसर होगा 15110 जो कि आपका आंसर ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2003 में पूछे जा चुके। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ 4x³ प्लस 3x² माइनस 9xy² प्लस 2y³ एंड x² प्लस xy माइनस 2y² और यहाँ पर फर्स्ट जो कि 4x³ प्लस 3x² माइनस 9xy² प्लस 2y³ और यहाँ पर इसको लिख सकते 4x³ प्लस 3x² माइनस यहाँ पर 9xy² तो यहाँ पर एट फर्स्ट 7xy² ले लीजिए माइनस 2xy² माइनस 7xy² माइनस 2xy² इक्वल टू माइनस 9xy² प्लस 2y³। अब यहाँ पर 4x³
प्लस यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर सेवन एक्स स्क्वायर वाई ले लीजिए, और यहाँ पर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई, तो सेवन एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस सेवन एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई क्यूब। अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फोर एक्स प्लस सेवन वाई, एंड इन दोनों में से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, सॉरी माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो फोर एक्स माइनस सेवन वाई प्लस सेवन वाई, और इन दोनों में से माइनस टू वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई। अब देखिए फोर एक्स प्लस सेवन वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस यहाँ पर टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए इसको लिख लीजिए फोर एक्स प्लस सेवन वाई इंटू इस इन दोनों में से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई में से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों टर्म में से एक्स माइनस वाई को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई कॉमन, एंड यहाँ पर फोर एक्स प्लस सेवन वाई और यहाँ पर एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर और यहाँ पर एक्स माइनस वाई कॉमन, एंड फोर एक्स इंटू एक्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इंटू वाई माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर फोर इंटू टू एट, तो एट माइनस वन यानी कि सेवन कर सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई इंटू फोर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एट एक्स वाई, सॉरी दोस्तों प्लस एट एक्स वाई माइनस एक्स वाई यानी कि सेवन एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई इंटू यहाँ पर देखिए फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई, इन दोनों में से फोर एक्स कॉमन लिख सकते हैं यानी कि एक्स प्लस टू वाई, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस टू वाई, तो यहाँ पर सिंपली आ रहा है एक्स माइनस वाई इंटू फोर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई, और यहाँ पर सेकेंड टर्म जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई कर सकते हैं, एक्स वाई हो गया माइनस टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू वाई, एंड इन दोनों से माइनस वाई कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू वाई, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई। अब इन दोनों में से एच सी एफ निकालना है, तो देखिए सिंपली एक्स वाई इसमें भी है, एक्स माइनस वाई इसमें और एक्स माइनस वाई इसमें यानी कि एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एच सी एफ होगा एक्स माइनस वाई, और देखिए एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई दोनों में एक्स प्लस टू वाई यानी कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस टू वाई यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, और ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 2002 में पूछे चुके हैं, क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ एट एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड फोर इंटू एक्स क्यूब माइनस वन इज, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली फर्स्ट टर्म है एट एक्स क्यूब माइनस एक्स
और यहाँ पर 8 इंटू एक्स, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि 8 इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। और इस 8 को आप 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 2 क्यूब इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर सेकेंड टर्म देख लीजिए, अब 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस वन, जो कि 4 यानी कि 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू एक्स क्यूब माइनस वन, वन का क्यूब वन ही होता है, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन यानी कि एक्स प्लस वन स्क्वायर यानी कि वन। अब सिंपली इन दोनों टर्म में से अब एलसीएम निकाले, तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम इक्वल टू यहाँ पर दोनों में से जो कॉमन है उसको ले लीजिए और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है और 2 के ऊपर में पावर जो बड़ा वाला है 2 क्यूब, तो 2 क्यूब लेंगे। अब इन दोनों में से देखिए x माइनस वन, एक्स माइनस वन कॉमन है तो x माइनस वन ले लीजिए, एंड बाकी सब कॉमन नहीं है। उसके बाद देखिए x, जो कि x भी ले लीजिए, इन टू बाकी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पर x प्लस वन। अब देखिए 2 क्यूब यानी कि 8, एंड यहाँ पर x है, x ले लीजिए, और यहाँ पर x माइनस वन और x प्लस वन, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, वन स्क्वायर वन, एंड बाकी बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जो कि ए आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2002 में पूछे चुके हैं। क्वेश्चन है जी सी डी, जी सी डी यानी कि डिविजर, यानी कि इसको एच सी एफ जी सी डी एक ही बात है, जी सी डी ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.9 इज, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर जी सी डी मीन्स एच सी एफ, जो कि एच सी एफ निकालना है 1.8 ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.9। तो सिंपली यहाँ पर इन तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1.08 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड 0.36 को 100 से मल्टीप्लाई एंड 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आंसर में 100 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर 108 और 36 और यहाँ पर 90। तो अब इन तीनों का एचसीएफ निकालिए। तीनों का एचसीएफ यानी कि 3 से जा सकते हैं, जैसे कि 3 इंटू 3 एंड 36, जो कि और यहाँ पर 12 इंटू 3 36, और यहाँ पर 3 इंटू 30 90, और एक बार 3 से 3 इंटू 12 36 एंड 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 10 30, और यहाँ पर 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 5 10, और यहाँ पर कॉमन नहीं जा रहा है, तो कॉमन है 3 3 एंड 2, तो सिंपली 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 18। अब सिंपली 18 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 यहाँ पर तीनों में से मल्टीप्लाई किया, 100 डिवाइड कर दीजिए, तो 0.18 जो कि आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। और यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि 2006 में पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन है फाइंड द लेस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32, 36, 45, 60 एंड 80। यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटा नंबर निकालना है
जो नंबर इन सब नंबर से कॉम्प्लीटली जो कि पूरा पूरी डिविजिबल है। तो यहाँ पर सिंपली इस टाइप क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए एलसीएम करना है, इन सब डिविजर का एलसीएम करना है, एलसीएम ऑफ 32, 36, 45, 60 and 80। और इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 1440। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।